हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरा 2 दिन से वीडियो नहीं आ रहा है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा गड़बड़ चल रही है। हमारे बाजू वाला दरवाज़ा बजा रहा है क्योंकि मैं उस दिन गई धूप में और वो मुझे ना धूप लग गई है। तो 2 दिन से मैं ऐसी पड़ी हूँ। कल तो वाईफाई नहीं मेरा चल रहा था, इस वजह से मेरा वीडियो नहीं आया। और परसों से ऐसी पड़ी हूँ, नहीं कुछ हो पा रहा है, काम धाम नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो फिर मन नहीं करता है काम करने का। तो आज मेरी शक्ल भी ऐसी दिख रही है क्योंकि अभी मैं लेटी थी। मैंने चलो अभी थोड़ा कुछ काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, कुछ करते हैं। तो चलो आज कुछ सफाई तो मुझे बहुत सारी करनी है। मेरा पूरा घर गंदा हो गया है, इतना धूल आती, धूल से परेशान हो चुकी हूँ। तो जितना हो सकता है कर लेती हूँ क्योंकि धीरे धीरे करेंगे तभी हो पाएगा। हमारे बाजू वाले का लड़का है, उसको मैं दिखती नहीं हूँ तो बहुत परेशान होता है, आंटी किधर गई। चलो अभी काम करना, पहले किचन करती हूँ। किचन में ना बहुत भंगार पड़ा हुआ है। फ्रिज मेरा पूरा ऊपर से गंदा हो गया है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 10-15 दिन हो गए तब से मैंने ऊपर से कुछ भी नहीं, डस्टिंग तो किया ही नहीं है क्योंकि नहीं हो पा रहा था। तो चलो पहले हम किचन का काम कर लेते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे। ये चॉपर मुझे ना किसी ने गिफ्ट किया है, तो अच्छा है ये। मैंने यूज कर लिया इसको, अच्छा मसाला पिस जाता है इससे। तो आज ना कुछ सब्जी नहीं थी, सब्जी मतलब छोटे वाले को भेजी थी वो कुछ लाया नहीं। आलू आलू कल बनाया था सुबह, फिर शाम को भी डोसा वगैरह बना। तो ये मेरे पास ना पनीर रखा हुआ था क्योंकि परसों मेरा ना दूध ख़राब हो गया, ख़राब क्या, फिर लाइट नहीं थी तो उसमें दूध, फिर मैंने उसको पनीर बना दिया रात को। तो उसी का मैं चिल्ली पनीर बना देती हूँ क्योंकि उसका टिफिन को भी चाहिए, क्योंकि आज कोई सब्जी नहीं है। सब्जी है अगले, वो सब्जी उसके टिफिन को नहीं, वो नहीं खाएगा, इसलिए उसको ऐसी सब्जी देती हूँ, नहीं तो वो वापस खाना वापस लेकर आता है, कुछ खाता नहीं है। इसलिए उसके जो मन की सब्जी होगी वो ही देंगे। तो क्या है ना, वो रोटी लेके जो भी जाता है पराठा खा लेता है, नहीं तो वापस लेकर आता है। तो इसके लिए हमने प्याज काटा है, उस हिसाब से हमने 2 शिमला मिर्ची, 1 प्याज और 1 टमाटर। टमाटर बहुत महंगा है अभी, हमारे यहाँ पे 80-82 रुपया किलो है टमाटर। अभी कम हो गए तो फिर से हो गए। कल छोटे वाले को भेजी थी टमाटर ले आओ, वापस आ गए लौट के, उसने नहीं लिया टमाटर। मैं निकली नहीं हूँ सब्जी लेने को क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं निकली नहीं हूँ। तो इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे, हल्दी मिर्ची नमक धनिया, ये गरम मसाला है, और इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा शक्कर क्योंकि चिल्ली पनीर में ना शक्कर ज़रूर डालते हैं, तो वो खट्टा और मीठे का दोनों का टेस्ट आता है, तभी वो चिल्ली पनीर अच्छा लगता है। और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे सोया सॉस। सोया सॉस से क्या है ना, उसका कलर चेंज होता है, और सोया सॉस खट्टा, हल्का सा खट्टा होता है, हल्का सा मीठा होता है। तो सोया सॉस मेरी ख़त्म हो गई है, लानी है। अब की बार ना राशन तो आया, अगर राशन मेरा सब गड़बड़ हो गया, मेरा 2 बार पेमेंट हो गया, 2 बार मेरा कार्ड स्वैप हुआ, तो 11-12 हज़ार रुपया कट गए मेरे 2 बार उसमें। मतलब पैसा रिटर्न आएगा, बोले हैं पैसा रिटर्न आएगा, क्योंकि मैंने बैंक में भी कंप्लेंट दिया है और जहाँ से लाती हूँ डीमार्ट से वहाँ भी कंप्लेंट दिया है, तो बोले 1-2 दिन में आ जाएगा। तो कल बैंक में भी तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी मैं गई, तो ये करके मैंने ढक के रख दिया था। और इसमें हम डाल देंगे पनीर, तो देखो हमारा बन गया चिल्ली पनीर, और इसके साथ हम बनाएंगे पराठा। तो पराठा क्या है, उसके टिफिन को भी हो जाएगा
और हमने नाश्ते में बनाया था पोहा, तो पोहा भी ज़्यादा उसको पसंद नहीं है। छोटे वाले को पसंद है, बड़े को ज़्यादा नहीं है, खाता है कि उतना पसंद नहीं जितना छोटे को पसंद है। तो ये देखो रेडी हो गए हमारा चिल्ली पनीर। तो चलो अभी हम बना लेंगे। और आज हमें करनी है सफाई, सफाई तो बहुत करनी है अगले। अभी सफाई कितनी हो पाएगी क्योंकि तबीयत थोड़ा डाउन है। तो पहले आज हम फ्रिज के ऊपर का ही सारा निकाल देंगे क्योंकि फ्रिज के ऊपर ना बहुत धूल हो गई है, बहुत धूल। तो पहले हमने उसको पोंछ लिया है और अभी हम इसको कॉलिंग से साफ़ कर देंगे। ऊपर का सारा हमने मिट्टी निकाल दिया है क्योंकि देखो दो तीन दिन से ना मैं नहीं कर पाती, वो लड़का करता है, उसको क्या मालूम क्या डस्टिंग क्या होता है, अगले फिर भी कर लेता है। मैं मेरे हिसाब से करती हूँ, बच्चे बच्चों के हिसाब से करेंगे। अभी 3 दिन हो गए मैंने मेरे घर में झाड़ू नहीं लगाया है, लड़का ही लगाता है। अब उसका जैसे ही कॉलेज चालू होगा वैसे ही हमारे लिए मुसीबत होगी क्योंकि फिर मुझे सब करना पड़ेगा। तो इसको हम कर लेते कॉलिंग से साफ क्योंकि ये भी बहुत सारे दिन हो गए हैं तो हुई नहीं। तो जो हम लोग खोलते पहले इसमें टावल लगा हुआ था इसके हैंडल पे, वो टावल हटा दिया है तो तब से ना हैंडल पे निशान आ जाते हैं। बोलते हैं ना चीज़ कितना भी पुरानी हो अगर आप उसकी केयर करते हैं तो वो न्यू लगती है। फ्रिज भी हमारा काफ़ी पुराना हो गया, 10-12 साल से ऊपर हो गए। हाँ 12 साल के ज़्यादा ही हो गए। हाँ 10-12 तो शायद से हो गए, पेपर देखने पड़ेंगे अगले। अभी अभी तक वैसी चल रही है। हाँ उसकी एक अंदर की लाइट ख़राब हो गई है, वो हमने लगवाई नहीं, बहुत सालों से वो बंद पड़ी तो फिर लगवाया नहीं कि चलता है अच्छे से चल रहा है, क्यों छेड़खानी करो। क्यों क्या होता है ना कि छोटा सा चीज़ कोई ख़राब है उसमें, फिर उन लोग को बुलाओ ना तो वो हज़ार चीज़ जो करते हैं। अभी मैं परसों जहाँ गई थी मुझे कोई चीज़ करानी है, वो बोलते नहीं आप ये नहीं तो ये भी करा के ले लो। मैं नहीं करा सकती, वो ऑलरेडी मेरा है तो मैं क्यों कराऊँ उसको। उनका मतलब ये है तो फिर वो क्या है ना अभी आपके ऊपर डबल चार्ज करेंगे। तो मैंने ऐसा नहीं होता है, वो चीज़ मेरी है तो मैं नहीं करा सकती उसको, अब उसके लिए वो मेरे ऊपर डबल चार्ज कर रहे हैं तो मैं उतना डबल चार्ज नहीं दूंगी। मैं आप नहीं करोगे मैं दूसरे से करा लूँगी। तो यहाँ का ऐसा ही एक तो सुनते नहीं हैं लोग भी कि परसों मैं निकली कितना 11 बजे निकली थी और रात को 7 बज गए थे मुझे आते आते, इतना लेट मुझे हो गया था। एक आंटी बैठी थी बोली जाके आई लेट हो गए। मैंने हाँ थक भी गई थी उस दिन, तो बहुत थक गई थी। तो देखो फ्रिज तो हमारा ऊपर से हो गया है साफ और अभी इससे ज़्यादा नहीं कर सकती वीडियो को यहीं हम करते हैं एंड। मिलेंगे आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करो, अपना ही समझ के थोड़ा सा मदद करो, हेल्प करो। अभी तक मेरा कुछ नहीं हुआ है कि चलो ये तो बातें हैं। मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।